लगा कि हमारे मुल्क में औरत महफूज नहीं है, उन मुल्कों में औरतें महफूज हैं। ये भी बहुत से लोग दलील देते हैं, यहाँ इस्लाम को फॉलो किया जाता है मगर औरत की इज्जत महफूज नहीं है। लोग एक दलील ये भी देते हैं, वहाँ इज्जत महफूज है, वहाँ किसी औरत को छेड़ भी लो ना उसकी मर्जी के बगैर, किसी खातून को हाथ भी लगा दिया ऐसी की तैसी, यहाँ आप छेड़ो कोई पूछने वाला बोलो नहीं है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो वहाँ जो छेड़ने पर ऐसी की तैसी होती है ना, वो उस कौम के अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है, वो कानून की बालादस्त। जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, कानून इतना सख्त है कि औरत की परमिशन के बगैर आपने छेड़ा तो पुलिस उठा के ले जाएगी। देखो किसी भी माहौल को समझने के लिए ना उस माहौल के तमाम लवाजमात के साथ समझा जाता है। तो यूं कहो कि जितनी आजादी हमारे यहाँ है, यहाँ छेड़ने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी, 6 महीने तो केस चलता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा इसने छेड़ा था कि उसने खुद छेड़वाया अपने आप को, फिर पुलिस को रिश्वत देनी पड़ेगी, जो छिड़ी है उसको भी रिश्वत देनी पड़ेगी, इसने मुझे छेड़ा था, पुलिस कहेगी इसकी क्या दलील है, कहेगी गवाह नहीं है, पुलिस को 500 रुपए दे दो तो हम साबित कर देंगे तुम छिड़ी हो, यानी शुरू से रिश्वत शुरू हो जाएगी ना। फिर जज के पास जाओगे, इतना यानी एक टेंशन है कि यानी तो मुर्गी छुड़ाने के लिए भैंस की कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर किसी ने आपकी मुर्गी चोरी कर ली, आप केस करके भैंस अपनी भैंसे बिक जाएंगी आपकी, फिर जाके केस आपके हक में होगा कि इसकी मुर्गी क्या हुई है। आदमी कहता है वो चोर ले जाए ठीक है, जज को मैं भैंसे क्यों खिलाऊं। तो आप इस्लाम से अगर कंपेयर करोगे ना उस कल्चर को, तो आप इस तरह से नहीं मिसाल होती कि उन मुल्कों में कोई किसी को देख भी नहीं सकता, देख लोगे तो औरत इतनी महफूज है। भाई थोड़े दिन के लिए जो कानून की बालादस्ती है, सख्ती है, वो यहाँ ले आओ, और यहाँ जो आजादी है वो वहां ले जाओ। फिर देखो छिड़ने का रेशो कहाँ ज्यादा होगा, नहीं आ रही बात। फिर देखो छेड़ने का रेशो फिर वहां यहाँ ज्यादा नहीं होगा, यहाँ तो कानून है ही नहीं, जितने छेड़ रहे हैं ठरकी लोग छेड़ रहे हैं, कानून तो कुछ भी नहीं, किसी को कानून की पहुंच से ही लोग दूर होते हैं, और जो नहीं छेड़ रहे वो मेजोरिटी है, वो अगली को अपनी माँ बहन समझते हैं, अपनी बेटियों का ख्याल करते हैं, अपनी बहनों का ख्याल करते हैं, अपनी माओं का, अपनी बीवियों का ख्याल करते हैं। जो आजादी हमारे मुल्कों में है ना, जो बेलगाम कानून, वो कानून थोड़े दिन के लिए अगर आप इन गोरों को दे दो तो फिर देखो कि छेड़ता कौन ज्यादा है, फिर देखते हैं औरत कितनी महफूज है वहां पे।